हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड का एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्रोबेल्ट। बेसिकली इसका यूज हम करते हैं साइनेज इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक्रेलिक लेटर्स पे लोग काम करते हैं। वहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी हम साइनो एक्रेलेट से उसकी बॉन्डिंग करते हैं वहाँ पर वाइट फ्यूम्स आ जाते हैं। उसकी जगह पर काफ़ी लोग क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं जिसमें वो रिकमेंडेड नहीं है। वहाँ पे हमें एक्रोबेल्ट का यूज़ करना है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है और रिकमेंडेड भी है आपके यूज़ के लिए। इसका यूज का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके तीन ग्रेड आते हैं। एक होता है एक्रोबेल्ट LV जिसकी विस्कोसिटी लो है। दूसरा आता है एक्रोबेल्ट MB जिसकी विस्कोसिटी मीडियम है। और तीसरा आता है एक्रोबेल्ट HB, ये हाई विस्कोसिटी का होता है। तीनों का काम अलग अलग है। ये हमें स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है लेटर में। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसमें एक्रोबेल्ट LV। एक्रोबेल्ट LV को हमें क्या करना है यूज के लिए, सिंपली हमारे पास एक खाली बॉटल होनी चाहिए। खाली बॉटल में हमें इसको रिफ़िल करना है। रिफ़िल करके LV जो करता है सिंपली इसको होल्ड करता है लेटर को। होल्ड करने के लिए इसमें आपको पहले मैग्नेट लगाना है क्योंकि इसका ड्राइंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। ड्राइंग टाइम ज़्यादा होने के लिए हमें इसको होल्ड करने के लिए मैग्नेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पहले साइड में मैग्नेट लगाएंगे, उसके बाद LV को यूज़ करेंगे। LV क्या करता है, नीचे से लेटर को अच्छे से ज्वाइन करके रखता है। अब इसको हाई स्ट्रेंथ पे ले जाने के लिए हम यूज करते हैं इसमें HV। HV क्या करता है, लेटर के साइड में कैविटी फॉर्म करता है। ये हमारा MB का बॉटल है और ये HV का है। ये अपने अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, कहीं पे MB कहीं पे HV। ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए हम इसमें HB का यूज करेंगे। अब HB का भी यूज एकदम सिंपल सा है, आपको खाली बॉटल में रिफिल करना है। रिफिल करके पहले हम इस पे ये वाला सरफेस आप देख रहे हैं यहाँ पे हम पहले LB लगा लेंगे। LB जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम HB की यहाँ पे कोटिंग करेंगे। HB क्या करेगा, इसमें कैविटी फॉर्म करेगा और आपके लेटर को हाई स्ट्रेंथ पे लेके जाएगा। आउटडोर के लेटर्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी लेटर खुल जाते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है और ये काफ़ी हाई स्ट्रेंथ पे आपकी लेटर को लेके जाता है। उसके साथ में एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। जैसे कि अभी ये हमारा दो प्रोडक्ट है, एक हमारा होता है LV, दूसरा HB, ये दोनों हमारा साथ में यूज होगा। MB का यूज हमें कहाँ करना है, MB हमने बीच में क्यों लाया है, तो ये तो हम साथ में करेंगे। अगर आपको दो प्रोडक्ट एक साथ नहीं यूज करना है वहाँ पर हम LV का यूज कर सकते हैं। ये LV का भी काम करता है आपका और HB का भी काम करता है, तो आपको दो प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मीडियम स्ट्रेंथ आता है लेटर पे, आपका काम इजीली हो जाएगा इससे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सूखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है और इसमें किसी भी तरह के वाइट निशान नहीं आए हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।